So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for IBPS PU, and these questions are really very helpful. So three of my candidates, okay. So first we would like to interact Mr. Kaushal. He is from Agra, okay. He has come from Agra for 7 days course. Next we have Pratibha, okay. Yes. And next we have Chesta. So welcome girls and boy. So my first question to you, I would like to ask from Kaushal only. Kaushal, mujhe bataiye ki bank kya hota hai aapke hisab se? सर, बैंक वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोगों के डिपॉजिट्स को स्वीकार करता है और उन बैंक और लोगों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, या शीतल प्लीज हैव योर क्वेश्चन। श्योर सर, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। मैम, माय स्ट्रेंथ्स आर आई एम वेरी इनोवेटिव एंड आई हैव क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। करंट अकाउंट को समझाइए। सर, करंट अकाउंट वो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं या कंपनीज वो लेते हैं, और उसमें कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता बाय द बैंक्स। उसमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं? सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दिया जाता है एक नेशन को दूसरे नेशन के लिए, जिसके अंदर उनको ट्रेड में जो है वो स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ओके, उनको इम्पोर्ट ड्यूटीज कम लगाई जाती हैं। ओके, मुझे बता सकते हैं स्टेल चेक के बारे में? स्टेल चेक, कैन यू टेल? स्टेल चेक वो चेक होता है जिसके अंदर जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। okay. पहले 6 महीने हुआ करते लेकिन अभी 90 डेज हो चुकी है। ओके, मुझे बताइए CAR से आप क्या समझती है? CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेशियो है कि कैपिटल असेट्स टू द रिस्क ऑफ द बैंक्स। ओके, व्हाई डू यू चूज बैंक ओनली एज योर करियर? सर, आई चोज बैंक एज माई करियर बिकॉज आई फाइंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस सेक्टर एंड ऑल्सो द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग एंड बैंक ऑल्सो कवर्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स। बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल्सो द सोशल रेपुटेशन, सोशल रिस्पेक्ट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी विच इज। कैन यू टेल मी व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम? सर, CTS का जो कंसेप्ट है वो 2010 में आया था। पहले क्या होता था कि चेक को फिजिकल फॉर्म में क्लियर कराया था, लेकिन अब चेक की स्कैंड इमेज लेकर क्लियरिंग हाउस को भेज दिया गया। इससे चेक बहुत जल्दी फास्ट वे में स्कैन होकर क्लियर हो जाता है। सर, लोकपाल से आप क्या समझते हैं? सर, लोकपाल स्वीडन से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो बैंक हो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग लोकपाल की फैसिलिटी देते हैं। अगर उनका बैंक से कोई इश्यू होता है तो पहले उन्हें बैंक को देना पड़ता है टाइम, और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर बैंक कस्टमर का इश्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बैंकिंग लोकपाल उन कस्टमर्स की मदद करता है। सर, डीमैट अकाउंट्स के बारे में बताइए। सर, डीमैट अकाउंट दे आर द डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट्स। यूज फॉर? सर, यस, उनका यूजेस बताइए। सर, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट होता है, हमें जो कैश रखना है उसमें अमाउंट ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक अकाउंट होता है वो नॉर्मल अकाउंट है। और डीमैट अकाउंट में जब हमें कोई स्टॉक्स में शेयर्स में कुछ परचेज और सेल करना है तो हमें डीमैट अकाउंट करना जरूरी। या शीतल प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अपनी हॉबीज बता दीजिए। माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग मोटिवेशनल स्टफ एंड वाचिंग देम ऑन YouTube। IDBI की फुल फॉर्म बताइए। IDBI इज द इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। क्या आपने ICICI की फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे? सर, ICICI इट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ। ओके, TDS से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? TDS। सर, TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। यस, व्हाट डज इट मीन? सर, जैसे कई बैंक एम्प्लॉय वगैरह होते हैं और कई भी एम्प्लॉय होते हैं जिनकी हाई अमाउंट ऑफ सैलरी होती है, उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ TDS काटा जाता है। ओके, सो उससे रिलीव होने के लिए क्या करना चाहिए? सर, उससे रिलीव होने के लिए कई तरीके की फैसिलिटी लॉन्च, उसमें सर हमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। FII की? फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो जो फॉरेन की कंपनीज जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। यस, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ द अदर वन। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं होता, वो सेबी से परमिशन लेकर शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं वो कभी भी इंडियन शेयर्स वगैरह, राइट? उसके अलावा उनके मनी को होट मनी कहा जाता है क्योंकि वो रातों रात निकल सकते हैं, तो वो थोड़े अनसेफ है एज कम्पेयर टू FDI। FDI इज मोर सेफर एज कम्पेयर टू FII, इजंट इट? यस सर। बैंकिंग क्या होता है? सर, बैंकिंग इज आल्सो सिमिलर टू अ बैंक इंस्टीट्यूट। बैंकिंग वो होता है सर जिसमें हम बैंकिंग में लोग अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट स्वीकार करते हैं और उनको लोन की प्रोवाइड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और कई तरह की फैसिलिटी इन चीज़ों के अलावा, जैसे कि ATM की फैसिलिटी देना, लॉकर फैसिलिटी देना, बैंक अश्योरेंस करना भी आजकल बैंकिंग का ही पार्ट है। सर, प्लेज क्या होता है? सर, प्लेज एक तरीके की लोन की फैसिलिटी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन दिया जाता है। सर, और मॉर्गेज? सर, मॉर्गेज जो फैसिलिटी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन देने की फैसिलिटी होती है। सर, वेरी गुड।
नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स में क्या डिफरेंस है? सर, नेशनलाइज्ड बैंक वो है जो दो बार नेशनलाइज हुआ था हमारे इंडिया में, उनके अंतर्गत जो बैंकों का नेशनलाइज हुआ था वो नेशनलाइज्ड बैंक है, और इनको आरबीआई के 100% रेस्ट्रिक्शंस में रहती हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक होती हैं जो अपने निजी फायदे के लिए काम करती हैं, और ये नेशनल बैंक के अंडर में नहीं आती हैं। और इनकी जो मोस्टली ब्रांचेस होती हैं वो अर्बन एरिया में एक्सपेंड करती हैं, और आजकल देखा जा रहा है कि इन्हीं बैंकों का जो फायदा है वो इन कंपेयर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक वो ज़्यादा है सर। ओके, नेशनलाइज्ड और पीएसयूज में क्या डिफरेंस है? सर, नेशनलाइज्ड बैंक आर वो बैंक जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होती हैं, और पीएसयू आल्सो रेगुलेट बाय आरबीआई। सर, नेशनलाइज्ड बैंक हमारे इंडिया में सभी हैं, जैसे कि पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पीएसयू में सर जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं वो तो होती हैं, साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जुड़ी जाती है सर। ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक का एक पार्ट है। इसके सर तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो होती हैं जो एक सिटी लेवल पर, अर्बन लेवल पर वर्क करती हैं। ओके, एनपीए क्या होता है? सर, एनपीए द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और द बैड लोन्स। सर, इसके चार टाइप्स होते हैं। शेड्यूल, जिसमें 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट आ जाता है। नॉन शेड्यूल जो होता है, जिसमें 12 मंथ से ज़्यादा लगते हैं। डाउटफुल एसेट जो होता है, जिसमें टाइम तो वो होता है कि हम किसी कस्टमर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोन दे देते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ता है। एडवांस में क्या होता है कि हम एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, बीसीएसबीआई क्या? सर सॉरी सर, आई डोंट नो। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। IFSC सर, इट्स स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट डज इट मीन? इसका हर बैंक को एक कोड प्रोवाइड किया जाता है, यह गारंटेड का कोड होता है। इसमें जो फोर और यह अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इसके जो फर्स्ट फोर डिजिट होते हैं वो बैंक को शो करते हैं। 0 सर फ्यूचर के लिए रखा जाता है, एंड लास्ट 6 डिजिट फॉर बैंक ब्रांच के लिए शो करते हैं। यह सर हमारे डिफरेंट पेमेंट जैसे कि IMPS, NEFT में काम आता है IFSC कोड। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? यस सर। हमें यूपी के बारे में कुछ बताइए। सर, यूपी जिसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इसको 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। इसकी कैपिटल सर लखनऊ है। सर, इसकी साक्षरता दर इतनी अच्छी नहीं है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब यह इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। और यूपी के प्रेरण सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और प्रेरण गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और सर, यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा था, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट पर। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी योगी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, कन्या सुमंगल योजना, जिसके तहत हर लड़की को जन्म के समय 15,000 रुपये दिए जाएंगे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप आगरा से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर, और इंटरव्यू आप लखनऊ देने जा रहे हैं। ओके सर, तो आपको किस किस चीज़ों की प्रिपेयर करनी है आप समझ गए होंगे। यस सर, तो लखनऊ के बारे में कुछ अगर आइडिया है आपको। सर, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस बहुत रहा है, यहाँ पर नवाबगिरी बहुत ज़्यादा रही है। लखनऊ का कीमा बहुत ही प्रसिद्ध है, और लखनऊ में सर बहुत ही जैसे घूमने लायक जगह हैं। और लखनऊ में अभी भी मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है, और लखनऊ का आलमबाग रेलवे स्टेशन पर अभी इंडियन रेलवे ने 2 हेल्थ चेक ATM भी लगवाए हैं। ओके, और आपके आगरा के बारे में तो हम भी जानते हैं। यस सर, ताजमहल बड़ा फेमस है वहाँ पे, राइट? तो इतने तो हमें भी मालूम है, और इससे ज़्यादा आप हमें बता ही सकते हैं। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म बताइए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। क्या होता है ये? यस, एक्सिम बैंक के बारे में। सर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है एक्सिम बैंक। यस, जितने भी हमारे देश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको सर फाइनेंस करने की फैसिलिटी एक्सिम बैंक प्रोवाइड कराता है। ओके, बार्टर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? सर, बार्टर इकोनॉमी में जो एक्सचेंज है उसमें मनी को ना यूज करके हम डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, किसी टाइम में ये बहुत चलता था। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड EMI? सर, EMI दे आर द मंथली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैंक एक मंथली इंस्टॉलमेंट्स प्रिपेयर करके देते हैं, जिसे हमें पे करना पड़ता है एवरी मंथ। ओके, सिंडिकेट लेंडिंग क्या होता है? सॉरी सर, आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम। और सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इससे आप क्या समझती हैं? जी सर, सिक्योर्ड लोन्स में हमें कोई कोलेटरल रखना पड़ता है, एंड अनसिक्योर्ड में इट इज नॉट नीडेड। ओके, देखिए चेष्टा, अगर हम आपसे ये बोलें कि हमारे पास और भी बहुत सी गर्ल्स वेट कर रही है सेम जॉब के लिए, तो हम आपको ही क्यों रिक्रूट करें? सर, ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल स्टैंडिंग इन द सेम क्यू विद मी, बट आई कैन अश्योर यू अबाउट माई सेल्फ दैट आई विल वर्क विद फुल डेडिकेशन, एंड आई विल वर्क विद फुल सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, एंड आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन,
And also, sir, as you know, mathematical calculations are the part and parcel of this banking right. job. And being a math graduate, I can do this with more efficiency. So I would request you to give me a chance. Very good. So I hope three of them have yes, tried sir. Their best. What about Sheetal? They have tried their best yes, and worked efficiently. So it's the right time to give them best wishes also. My best wishes to you. You'll definitely get selected. Keep it up. Good, good, wonderful.